पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर में आप सभी साधकों का एक बार पतंजलि योगपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आइए आज हम लोग कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। कपाल भाती करने से क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में भी फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे और सबसे अभ्यास भी करवाएंगे। प्रैक्टिस जो व्यक्ति करेगा उसको ही लाभ मिलेगा। तो कपाल भाती हमारे मंच पे उपस्थित है आदरणीय चाचा मुद्रिका सिंह जी, जो अपने जीवन को योग की सेवा में समर्पित कर चुके हैं और ये दारोगा पद से रिटायर हैं और अपने जीवन को अब योग की सेवा में ही उन्होंने लगा रखा है। तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और हम लोग ये कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के सुख उपस्थिति में चला रहे हैं। तो कपाल भाती कैसे करना है इसमें देखिएगा कि नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं और पेट हमारा अंदर जाता है। करके दिखाएंगे चाचा जी। सांस बाहर और पेट अंदर झटके से, जैसे हम लोग छींकते हैं। आप लोग भी लेते हैं उठो। कपाल भाती सबकी आंखें बंद हो और जैसे हम लोग छींकते हैं, छींकने की कला है, क्रिया है, सांस लेना नहीं है आपको, केवल सांस फेंकना है, अपने आप सांस भर जाता है, धीरे धीरे हो जाएगा। जिनको इस अभ्यास में सबसे पहले हम सावधानी की चर्चा करते हैं कि किनको नहीं करना है। जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीना तक नहीं करेंगे, जिनको हृदय का ऑपरेशन हुआ है वह भी 6 महीने तक ना करें। गर्भवती माताओं बहनों को सावधानी में गर्भवती माताओं बहनों को नहीं करना है, मासिक धर्म के दौरान माँ बहनों को नहीं करना है, पेट का जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना है 6 महीना तक, हृदय का ऑपरेशन जिनको हुआ है उनको नहीं करेंगे 6 महीना तक, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी तीव्र गति से कपाल भाती नहीं करवाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अब लाभ के बारे में चर्चा करते हैं, करते रहिए इसका अभ्यास। जिनको कब्ज और गैस है, दवा खा खा के परेशान है, कब्जियत दूर कर देगा, गैस कब्ज खत्म कर देगा, नामो निशान नहीं मिलाएगा। जिनको कैंसर है, कैंसर ठीक हो जाता है, जिनको लकवा लगा हुआ है या लकवा मारने की संभावना है, शरीर में गिल्टी हो जाता है, जगह जगह पे गांठ हो जाता है, उस गिल्टी के कोई दवा नहीं है, हजारों गिल्टियां हो जाती है शरीर में, जहां सुइएगा वहीं गिल्टी नजर आता है, कपाल भाती करिएगा धीरे धीरे गिल्टी गल जाता है, गांठ खत्म हो जाता है, फाइलेरिया खत्म हो जाता है। जिनको हाथी पाँव हुआ है उनको आधा आधा घंटा 2 टाइम करवा दीजिए, 6 महीना हाथी पाँव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। बांझपन नपुंसकता को ये दूर करता है कपाल भाती। थायराइड, नकसीर, बवासीर, हार्ट ब्लॉकेज, लगातार अभ्यास भी करते रहिए। आप जब जब सांस को बाहर फेंके तो ओम
ओम का मानसिक जाप करिए, मन ही मन ओम ओम कहिए, ओम ओम बिना आवाज निकाले हुए। आंखें बंद, कपालभाति का अभ्यास। इसमें हम हवा बाहर फेंक फेंक करके अंदर में भैकू बनाते हैं। जिनको सफेद दाग है, सोरायसिस चर्म रोग है, एक्जिमा है, उनको कपालभाति करवाइए। जिनको पेट निकला हुआ है, चर्बी बढ़ा हुआ है, इसे 5 मिनट से 15 मिनट जब करेंगे, 15 मिनट जीते से होने लगेगा। इसे 5 बरस से छोटे बच्चों को नहीं करना है, 5 बरस से 10 साल के बच्चों को 5 मिनट करना है, 2 से 5 मिनट, और 10 साल से बड़ों को मरते समय तक ये 15 मिनट करना है, और जो बड़े बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको ये आधा आधा घंटा हम करवाते हैं 2 टाइम, तो ये बहुत ही लाभकारी है। और दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ये कपालभाति ठीक कर देता है। वह जरूरत है